तो यहाँ पर मेरी गुंजार सिल साफ कर रही है और यहाँ निकाल निकाल के रख रही है। दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो दीदी भैया हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा, तो लास्ट तक वीडियो देखना। आज नमस्ते। तो ये सब नहाई है, बाल में कंघी भी नहीं की। तो चलते हैं घर पे और आप सबको एक अच्छी सी ब्लॉगिंग वीडियो बनाकर दिखाते हैं। ब्लॉगिंग भी रहता है दोस्तों, रेसिपी भी बनाई हूँ। आप सबको हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज अंत तक देखना। आ जाओ साहब। तो यहाँ पर धान का बिया तो बहुत कम है, थोड़ा सा भिगा रहे हैं, तो इतना ही धान भिगाना है। यहाँ पर धान का बिया भिगा दी, रख दी इधर। आज दो दो काम कर रहे हैं, यहाँ धान का बिया डालना है और बैठाना, थोड़ा सा धान बैठाएंगे, होगा 5 बिस्ता। तो ले आओ दोस्तों। तो चल रहे हैं केला को पकाने के लिए। यहाँ केले को कटाई करते हैं। तो यहाँ पर दवाई डाल रहे हैं, ये लाल लाल दवाई है। और कई भाई बहन बोले थे, संगीता इसको दवाई मत लगाना, आप कंबल में रख देना, लपेट के पक जाएगा। तो हम कई बार ऐसा किए, नहीं उतना अच्छा से पकता है और दवाई थोड़ा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दवाई हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पर दवाई को डाल दी हूँ, नदी ले आओ संगम। तो यहाँ पर बिछाते हैं, ये बोरे को बिछा दी और यहाँ पर इतना ऐसे लगा के तो रख देते हैं, पानी में घोल के लगा दी। यहाँ पर केले को गत्ते में डाल रहे हैं। देखते हैं ये 2-3 दिन में पक जाएगा। दोस्तों केले में दवा लगा रही हूँ और आप सब बोलोगे संगीता लगाना नहीं चाहिए था, फिर भी मार्केट का जो आता है इससे खराब वाला दवाई भी लगाकर बेचते हैं। तो आप सबको नहीं बताई थी मैं, ठंड के मौसम में उधर ही खेत को छुड़ा ली थी एक, जो 15,000 में रखा हुआ था, बहुत कम। बीच में नहीं बताती, क्योंकि इसलिए नहीं बताई कि लोग बोलते रहते हैं कितना कमाते हो, कैसे छुड़ाए। तो जो कनाडा की हमारी दीदी थी वो कुछ पैसे हमें दी थी छुड़ाने के लिए, तो छोटा वाला ही खेत छुड़ाए थे। अभी हमारा पड़ा हुआ है, मैं छुड़ा ना पा रही। तो यहाँ पर केले को हम रख देते हैं और धान का बिया इसीलिए देखिए थोड़ा सा भिगाए हैं, 1 किलो धान का बिया है। तो यहाँ पर रख लेते हैं। आम जो है लाए हैं चंदन, ये भी हमारे पास तो पेड़ नहीं है, यहीं बगल से ले आए हैं। तो आम को भी रखेंगे पकने के लिए, इसी में डाल दी हूँ। तो यहाँ पर रख दी हूँ, पूरा रख देते हैं, फिर दिखाते हैं। यहाँ पर सारा दवाई लगा कर रख दी, यहाँ पर ढक देते हैं। और इसी तरह गत्ते का ये डिब्बा भी बंद कर दी। तो दोस्तों पौधा वहाँ का बड़ा बड़ा हो गया और ये साथ में पौधा लगाई थी इस गमले में, लेकिन चल नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम बैठा दे रहे हैं। यहाँ पर रहेगा मिट्टी में तो फैलेगा, एक यहाँ बैठा दी, एक यहाँ बैठा दी, तो मिट्टी डाल देते हैं किनारे किनारे से, अब अच्छा रहेगा। तो यहाँ पौधा लगा दी हूँ, तो 2 गमला खाली हो गया, एक यहाँ एक ये, तो दूसरा कोई फूल लगा देंगे। इसमें नहीं चल रहा था तो निकालना जरूरी था। ये वाला देखिए, ये वाला और ये साथ में सब बैठाई थी, इतना बड़ा बड़ा हो गया।
बाकी ये बढ़ ही नहीं रहा था, तो मिट्टी में रहेगा जल्दी बढ़ेगा, गमला छोटा है इसीलिए वो पौधे के लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों केला पकाने के बाद में वहाँ पौधा भी लगाई और आज भी अचार साज रही थी, थोड़ा सा इसी गांव से ले आए थे चंदन, मेरे गांव में ही आम था तो सुखवा ली हूँ, तो काट के सिखाते नहीं दिखाई आप सबको, अब की बार भी अचार मैं उस साल तो नहीं साज पाई थी, बीमार हो गई थी, लेकिन अब की बार दो बार साजी अचार, मसाला पीस ली हूँ, धनिया अजवाइन सौंफ जीरा मंगरेल और लाल मिर्ची, तो यहाँ पर मसाला डाल रहे हैं अचार में, लहसुन को भी मिला देते हैं, लहसुन का छिलका उतार ली थी, तो तेल को गरम नहीं की हूँ क्योंकि धूप तेजी से हो रहा है गरम, जैसे धूप ना निकले तो तेल गरम करना जरूरी होता है, तो यहाँ पर नमक मिला दी। तो हमने इतने अचार में 2 चम्मच के बराबर नमक मिलाई, अच्छी तरह से मसाला नमक तेल सब मिल गया है, अचार 4-5 दिन के बाद तैयार होगा बनके, और यहाँ पर अचार को मिलाते हुए चला दी हूँ। हाँ, अचार को डिब्बे में रख रहे हैं, ये देसी आम है बिल्कुल छोटा वाला आम, हमारा अचार यहाँ सज के तैयार हो गया पूरा, ये 1.5 किलो है, अभी 2 किलो आम लाना पड़ेगा फिर ये डिब्बा भरेगा, तो यहाँ से हटाकर वहाँ धूप में थोड़ा रखते हैं, अभी बंद करके रख देंगे तो इसमें से पानी निकलेगा खराब हो जाएगा। यहाँ सब बर्तन रखा हुआ है, सभी साफ सफाई करते हैं, शाम का टाइम है, तो 2 किलो आम ले ली हूँ और मैं अचार साज के चली गई थी चौराहे पे, वहाँ का वीडियो नहीं दिखा पाई आप सबको, बनाते ही नहीं चंदन के पापा तो अभी घर पे थे, और यहाँ पर अरबी ले ली हूँ, टमाटर है और बाकी ये भी सब्जी है आलू, तो ऐसे कई सामान है, तो समोसा खरीद के लाई, बनाई नहीं घर पे, बनाती नहीं, सब लोग जब जाने लगी तो रिक्वेस्ट करने लगी कि समोसा लाना मम्मी, तो यहाँ ले आई हूँ, अभी सब घूमने गए हैं, सिर्फ वो शीतल है घर पे, तो 1 समोसे में आधा आधा कर दी हूँ, अभी सबको दे देते हैं चंदन के पापा को हैं घर पे, ये लो शीतल, चंदन को दे दो कैमरा के पीछे हैं, तो अभी अंजलि गुंजन है ही नहीं, आएंगी तो फिर खाएंगे वो सब, इधर ऑटो का तार बांध रही है चार्ज करने वाला, चलो बना दीदी भैया को राम राम, रही हूँ शाम के टाइम, कहा तो बना दो मम्मी, यहाँ पर चिप्स को डाल रहे हैं, केले का चिप्स बना रहे हैं, कढ़ाई में डाल दी हूँ चला दे, तो यहाँ चंदन के पापा आ गए हैं काम पर से, आज जल्दी आ गए हैं, चिप्स निकाल ली, कैसा लगा अंजलि आलू का चिप्स निकाली, अभी केले का फ्राई हो रहा है, तो यहाँ पर मेरी गुंजन सिल साफ कर रही है, अच्छा लगा, तो गुंजन वहाँ पर चटनी पीस रही है, मैं यहाँ पर चिप्स को छान रही हूँ, ले चलती हूँ थाली को भिगा देते हैं, गेहूं का आटा निकाल लेते हैं, और आज हमारे गांव में शादी है तो डीजे भी बज रहा है, और वो भी कैसियो भी बज रहा है, तो निकाल लेते, तो यहाँ आलू वाला रखे हैं और यहाँ निकाल निकाल के रख रहे हैं केले का जो बनाई थी, यहाँ तारा चल रहा है, जो रस्सी टंगी है ना रस्सी के सीधे है तो ये जा रहा है, पता नहीं तारा टूट रहा है क्या है, ये तारा दिखा रही थी टूटा हुआ तारा, यहाँ गया है तो हमारे गांव के भाषा में कहते हैं कोई मर जाता है तो उसी का प्राण जो होता है वो जा रहा होता बादल में, मेरा मुंह तो पूरा भूत जैसे दिख रहा है क्योंकि बहुत अंधेरे में लेते हैं,
यहाँ पर अंजलि इसी तरह लेटती है, तो अंजलि यहाँ हमारे पास चिपक कर लेटती है छोटे बच्चों की तरह। देखिए अब भी बहुत छोटी रहती है ये, शीतल मेरे पीछे है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। तो आज सुबह से लेकर शाम तक अंधेरे तक का वीडियो शूट किए हैं। तो दोस्तों आप सब पूछोगे कैसे आपको पता चला ये तो उजाले में बना रही हो अंत का क्लिप। तो ऐसा होता है कि हम इतना सोच के रखते हैं कि शाम तक ब्लॉगिंग करेंगे और हम दोपहर और सुबह टाइम निकाल के शुरुआत का अंत का क्लिप शूट कर लेते हैं, फिर बाद में काइन मास्टर से जोड़ देते हैं। तो कल खेत का लोकेशन आप सबको दिखाएंगे, और आज थोड़ा सा बात की बताई दिखाई। तो आशा करती हूँ आप सबको भी अच्छा लगा होगा, खुशी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते।